दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक देश के बारे में बताया था, लेकिन उस वीडियो पर इतने लोगों ने कमेंट किया कि इस देश के बारे में और बताओ, तो मजबूरन मुझे एक और वीडियो उस पर बनानी पड़ी। और आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें सौदागर अपना सामान बेचने के लिए खुद ही अपने दाम कम कर देते हैं। सिर्फ 40 साल पहले यही देश इस दुनिया की सबसे पिछड़ी हुई जगह मानी जाती थी, लेकिन आज ये देश इस दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। इस देश में लगभग ना के बराबर चोरी के केसेस होते हैं। इस देश में मौजूद होटल के कमरों में कोई तिजोरी नहीं होती जिसमें लोग अपना कीमती सामान रख सकें, जबकि आज दुनिया के हर छोटे बड़े होटल के कमरों में आपको एक तिजोरी देखने को जरूर मिलेगी। इस जगह को पूर्वोत्तर का फेरी टेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह की जलवायु अपना काम दिखाती है। इस देश में चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ना लिखना पूरी तरह से फ्री है। इस देश में साल में 350 दिन सूरज निकलता है। यहाँ पर किसी भी इंसान के बालिग होते ही सरकार की तरफ से उसे जमीन का टुकड़ा दिया जाता है जहाँ वो अपना घर बना सकता है। और अपने देश की सबसे खास छुट्टी वाले दिन यहाँ का सुल्तान पूरे देश में लोन बांटता है। इस देश में किसी तरह का कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। इस देश में कोई बेरोजगार नहीं है और ना ही इस देश में आपको कोई बेघर इंसान दिखेगा। यहाँ तक कि कोई भीख मांगने वाला भी आपको यहाँ नहीं दिखेगा। और इस देश का मेडिकल सिस्टम पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल सिस्टम्स में गिना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमान की, एक ऐसी जगह जहाँ तपता रेगिस्तान हिंद महासागर से मिलता है। इस देश का इतिहास सिर्फ 2 सदियों पुराना है और 1970 में यहाँ का सुल्तान कबूज पावर में आया। शुरुआत में ओमान बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ देश था। उस समय यहाँ का रहन सहन अफ्रीका के सबसे गरीब देशों के जैसा था। इसी बीच यहाँ पर बहुत से कबीलों में झगड़े हुए, साथ ही इस देश को उस समय पूरी दुनिया से काट दिया गया। उस समय ना ही यहाँ पर कोई हॉस्पिटल थे, ना ही स्कूल थे, ना ही कोई रोड था। उस समय तो यहाँ पर चश्मा और जूते जैसी आम चीजें भी बैन हुआ करती थी, लेकिन जब 1970 में कबूज यहाँ के शासक बने, उसके बाद तो यहाँ के लोगों के बीच वो एक संत की तरह उभर कर सामने आए। उनका रुतबा आज भी वैसा का वैसा ही है। इस देश में सुल्तान कबूज बिन सईद के पुतले आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। और पिछले 40 सालों में इस सुल्तान ने देश को गरीबी से बाहर निकालकर इस हालत में दुनिया के सामने पेश किया है कि दुनिया उनकी आज मुरीद हो चुकी है। आज ये देश बहुत तेजी से उभर रहा है कि इसके प्रतिद्वंदी देश जैसे कि यूएई और कातर इसे खार खाना शुरू कर बैठे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ओमान की धरती के नीचे बहुत सा तेल आज भी मौजूद है और इसी तेल से आज भी देश की 64% जीडीपी चलती है। ये पूरी तरह से यूएई को टक्कर देने में लगा हुआ है। आज यहाँ पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बननी शुरू हो चुकी हैं। आप शायद विश्वास ना करें, पर कबूज से पहले वाले सुल्तान ने अपने घर में डॉलर्स की पेटियां भर भर कर दबा रखी थी। ये बात वहां रहने वाले लोगों को भी पता थी, लेकिन कोई भी उन पेटियों को उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन लोगों का सब्र तब टूटा जब लोगों को पता चला कि इन पेटियों को तो चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया है। इतना पैसा चूहे तो कुतर सकते थे, लेकिन पुराना राजा अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय पूरे देश में सिर्फ 3 स्कूल थे। पूरे देश में हेल्थ केयर सिस्टम के नाम पर कुछ नहीं था। जहां पूरा देश हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, वहीं पूरे देश में सिर्फ 10 किलोमीटर के रोड थे। लेकिन नए शासक को ये सब पसंद नहीं आया। सबसे पहले तो उन्होंने सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर किया और पूरे देश से बिकने वाले तेल पर खुद का नियंत्रण किया। और साथ ही राजा बनने के 1 साल बाद ही उन्होंने पूरे देश में तेल के नए नए स्रोतों को ढूंढ निकाला। 1970 में ओमान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 4000 रुपए के आसपास थी, लेकिन 1991 तक आते आते ये आय लगभग 5 लाख रुपए हो चुकी थी। और आज कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 40 लाख रुपए के आसपास है। इस देश की राजधानी मस्कट है, जो कि ओमान में 30 मील के क्षेत्र में फैली हुई है। इस शहर को सिटी ऑफ व्हाइट हाउसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद ज्यादातर घर या बिल्डिंग्स सफेद रंग के हैं। पूरे मस्कट का निर्माण 2 से 3 दशक के भीतर ही हुआ है। ये शहर अभी भी उभर रहा है। यहाँ रहने वाले 60% लोग 30 साल से कम की उम्र के हैं। इस देश में साल में 350 दिन सूरज निकलता है और जुलाई के महीने में तो तापमान 40 के नीचे कभी नहीं आता। और आज ओमान को गल्फ के देशों में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। जैसे कि इसके पड़ोसी देशों में आज भी महिलाओं को लेकर काफी पाबंदियां हैं, लेकिन ओमान में महिलाएं खुलेआम कोई भी नौकरी कर सकती हैं। आज यहां पर लोकल महिलाएं टैक्सी चलाती हैं, वो पुलिस में भर्ती हैं और उनके पास ये हक है कि वो खुद तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकती हैं। यहां हर कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है और मिडल ईस्ट में ओमान ही ऐसा देश है जहां महिलाएं पूरा ऑफिस हैंडल कर सकती हैं। यहां तक कि ओमानी सरकार में भी आज महिलाओं को काफी अहम पद दिए हुए हैं। यहां पर महिलाओं का
जितना सम्मान किया जाता है शायद ही किसी देश में होता होगा। यहाँ पर मौजूद हर नागरिक के 18 साल के होते ही उनको घर बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसमें प्लॉट का साइज 4300 स्क्वायर फुट का होता है और नागरिकों को वही जमीन दी जाती है जिस राज्य के वो नागरिक हों। बेशक इस काम में कुछ सालों का समय जरूर लगता है। उस जमीन पर आप अपने पैसों के हिसाब से अपना घर बनवा सकते हैं। अगर किसी परिवार की कमाई $1,000 प्रति माह से कम है तो उनको सरकार खुद घर देती है, बेशक वो थोड़ा छोटा होता है। इन घरों को शहर से दूर बनाया जाता है। ओमान के पास तेल के अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। पड़ोसी देशों में मची बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पर्यटन स्थलों के बनाने की ओढ़ में ओमान भी पीछे नहीं है। ओमान में सबसे ज्यादा लोग यहाँ सिर्फ स्कूबा डाइविंग करने आते हैं। इसके लिए यूरोप से लोगों की खासी भीड़ देखी जाती है। शराब के लिए यहाँ एक खास नियम ये भी है कि यहाँ सिर्फ क्रिश्चियंस को ही शराब दी जा सकती है। पूरी राजधानी में सिर्फ 4 जगह ही शराब दी जाती है, जहाँ पर भी सख्त नियम है। इस देश में आपको ना कहीं शराब की खाली बोतल इधर उधर पड़ी हुई दिखाई देगी और ना ही यहाँ बियर के कैंस कहीं आपको दिखाई देंगे। सिर्फ आपको यहाँ हंसते हुए लोग दिखेंगे जो स्वभाव से बेहद खुशमिजाज होते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक सामान्य और स्वस्थ जिंदगी के लिए इससे बढ़कर कुछ चाहिए होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत जल्दी ही पूरे गल्फ में बचा तेल खत्म हो जाएगा। बहरीन में तो अब तेल खत्म हो ही चुका है और जल्दी ही एमिरेट्स में भी यह खत्म होने वाला है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक 2030 तक आते आते सारा तेल ओमान के नीचे से भी निकल चुका होगा। वहाँ के लोग भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आज नहीं तो कल उनको तेल के अलावा भी अपनी कमाई के साधन ढूंढने होंगे। यहाँ के सुल्तान कबूज ने भी इस बात को समझ रखा है और 2020 के बाद से वो तेल निकालने की रफ्तार को कम करेंगे। अब वो गैस निकालने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहाँ बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये देश कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।